कब से आप लोग के साथ आई नजर डालते हैं दौसा जिले की। आपको बता दूं दौसा जिले में वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस प्रत्याशी ओमप्रकाश सैनी के कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। दौसा जिले के अंदर वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी के कार्यालय का उद्घाटन दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने फीता काट करके किया। इस अवसर पर घनश्याम अवधेश, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रईस भाई, भयू भाई, कालूराम सैनी, मोतीलाल ठेकेदार, दुर्गा प्रसाद सैनी, प्रभु दयाल सैनी, पवन सैनी सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी के कार्यालय लालसोट रोड पर आनंद स्कूल के सामने उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वार्ड नंबर 29 से प्रत्याशी जो कांग्रेस का आपने खड़ा किया उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे कांग्रेस के मिलकर के चाहे नगर क्षेत्र को चाहे ग्रामीण एरिया को पूरी मेहनत से 8-10 दिन से लगे हुए हैं। सबकी सलाह से टिकट वितरण किया गया है। जीताओं को, टिकाऊ को और बिकाऊ नहीं हुए उसको टिकट दिया गया। हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह का माहौल है, सब लोग काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है। हमारा दौसा का बोर्ड क्लियर कांग्रेस का बनेगा। कम से कम हम 40 सीट क्रॉस करेंगे और भारी बहुमत से हमारा चेयरमैन बनेगा और इसका फायदा हमको मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, बहुत लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना था। पूरी जनता मन बना चुकी है कि इस बार दौसा में कांग्रेस का चेयरमैन बनाएंगे, इसलिए हमारे सभी पार्षद मैग्जी पार्षद जीतेंगे और हमारा बोर्ड बनेगा और बोर्ड का जनता को फायदा होगा। इस खबर बस इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।